जी साढ़े ना चार बार गल्ला करिया ने गुरसेव ने पांचवी बार दो बजे फोन नहीं चक्या मेरा। एक बार फोन चक के बीबी कह के मुड़के मेरे ना गल नहीं करी। हाए हाए जी शादी जी 12-13 साल हो गए जी। दो बच्चे ने एक गुड़ी 8 साल पिछो हुए ने जी। गुड़गांव तां जी ओनू हाए सोमवार नू गया जी। हुण तां हुण 15-20 दिन हो गए गए नू। हुण जी हुण तां जी ओने गल्लां वधिया करियां बीबी कहिंदा तूं बरेटे वग जी कितने नाटके संग सावती जगराता उत्थे मैं पुत वग जूंगी। कहना बीबी बच्चे कितने ने मैं पुत बच्चे पढ़न जा रहे ने रोंदे तां ते मां पुत्ता है कहते डैडी कद आऊगा कहें 3 तरीक नू आऊँगा। मां पुत्ता वग जूंगी तू चिंता ना कर मेरे पुत ने 4 बार तो वधिया गल्लां करियां। 5वीं बार मेरे पुत ने जदों गल्लां करियां एक बारी मैं आख्या वे गुरसेवा कहना बीबी हाँ मुड़ के मेरे पुत नू भज के अफसर पिया पता नहीं कौन पिया बिच भज के पिया कहना की देखना है कोई गड्डी नहीं आती की गड्डी नू देखना है हूँ कोई टाइम नहीं गड्डी का वह मेरे वास्ते गड्डी पुछता थी भी बरेटिया मोबाइल से नंबर कटता थी कै बजे गड्डी आऊगी और मैं गड्डी दे जाने वास्ते मैं पूछा तो पुता मोबाइल से देख ला गड्डी कै बजे आऊगी जी। होर कोई गल नहीं हुई साढ़े ना हाए जी वो तो सानू तो फिर पता नहीं लग्या सानू तो जी हाए जी 5 साल हो गए जी जी। हूँ तेन आही डूढ़ महीना हो 3 महीने की लगी थी जी पहला टहाने थी जी। तो अपने फोन पे बताया किसी ने अपने को जी मैं तो बरेटे जा रही थी पिछों सामने घर आने का मुंडा लग रहा है उसने फोन करे ने घर का जी यदा डैडी है नहीं गा अटैक होया हो जी ये डैडी घर कोई नहीं जी जी। एक गुड़िया है एक मुंडा है छोटे छोटे बच्चे ने जी। नाम जगतार है जी। गुरसेव जी 7-8 साल पहले भर्ती था पुराना ही और अब 20 के दिन पहले इसकी ड्यूटी लगी थी गुड़गांव खिड़की दौड़ा ठाणा है गुड़गांव का खिड़की दौड़ा वहाँ पे ड्यूटी थी इसकी। कल इन्हें दोपहर को किसी लोग सूचना आई भी वहाँ का प्रशासन जैसे वहाँ पे जा रहा था तो ये SHO साहब के साथ थे 3-4 मुलाजिम 2 होमगार्ड थे एक तो वहीं का था और एक ये था तो ये जा रहे थे वहाँ पे जब वो गोलियाँ चली ईंटें बरसी तो उस टाइम वहाँ पे ये गिर गई थी ना फोर्स तो ये गाड़ी पता नहीं तो बैक ले रहे थे पता नहीं गाड़ी आगे जा रही थी तो उस टाइम वो गाड़ी में जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था ना उसके गोली गाड़ी कह रहे हैं भी लगी आगे तो गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और वो पलट कर 3-4 लोटनी खा गई और फिर जाके वो दूसरी ठाणे की गाड़ी थी एक और Sector 7 की उस गाड़ी में जाके लगी और गाड़ी में जो ये बैठे थे ना इनके भी कह रहे हैं भी गोली गाड़ी लगी है गुरसेव के भी वहाँ के हिसाब से तो वहाँ बात आ रही है भी दोनों होमगार्ड के जवान थे उसमें और दोनों की डेथ होगी लगभग रात 8 बजे उनकी डेथ होगी। हाँ उसी टाइम फिर वो चले गए थे वो सोना में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में डेड बॉडी थी उसकी हॉस्पिटल भी बंद हो गए थे जी सारे दवाइयों करके भी हॉस्पिटल में ना तोड़ फोड़ हो जाए फिर वो डेड बॉडी के पास एक तो कोई जवान था फिर 3-4 लड़के और थे मेरे गांव के वहाँ पे ड्यूटी पे और वो 3-4 लड़के फिर वो भी चले गए थे वहाँ पे बात में हिस्सा के दौरान वहाँ पे ड्यूटी लगी थी जिनकी वहाँ पे हुई है। सरकार से तो यही मांग करते हैं जिसका मान सम्मान के साथ दाह संस्कार किया जाए और इसके परिवार में किसी को एक तो सहायता मिले और इसके किसी बच्चे को या इसकी पत्नी को माँ बाप तो बूढ़े हो गए बच्चा है बेचारा नौकरी कर रहा था बेचारा होमगार्ड की माँ बाप बूढ़े हैं इन्हें पूरी सहायता भी जाए कुछ ना कुछ बाप में पूरी सहायता कमाने वाला कर ले बाप भी जुड़ गए इसका बाकी का कर लिए 2 लड़के लड़की है 1 लड़का 1 लड़की है सारा परिवार होगी कुछ ना कुछ चंगी सहायता दी जाए वधिया परिवार को बाकी संस्कार भी वधिया संस्कार करे गया इसका होमगार्ड में जी।